भाई रिंग लाइट का बताना प्राइस। वीडियो बना ले इसका, वीडियो बना, क्यों मार रहा था वीडियो बना। कितने का भाई ये? हाँ भाई बता दो कितने का। ये देखो रास्ता रास्ता होलसेल रेट में जितने भी शर्ट चाहिए जी। आप अपना एड्रेस बता दो। हमारा एड्रेस है जामा मस्जिद मीना बाजार मेट्रो 2 नंबर गेट के सामने। मेरा नाम है अंदी जवाद का। सिलाई का भी दाम नहीं है, 150 रुपए कपड़ा ही नाम है भाई साहब। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप और स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद एक और बहुत अच्छे ब्लॉग में। तो फिलहाल इस वक्त हम हैं जामा मस्जिद मार्केट में जो कि लाल किले के काफ़ी करीब है और इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा और कितनी सस्ती मिलती हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आने के लिए आपको दिल्ली मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन से गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करना होगा और फिर अंदर की तरफ ये मार्केट है। इस मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको सुबह जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि अगर आप गर्मी के सीज़न में आ रहे हैं और दोपहर होते होते काफ़ी धूप हो जाती है जिसकी वजह से आप अच्छे से घूम नहीं पाएंगे। और इस मार्केट में चीज़ें आपको काफ़ी सस्ती देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको शर्ट 150-200 और जूते 200-300 और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे स्मार्ट वॉचेस रिंग लाइट ये भी आपको बहुत सस्ती देखने को मिल जाएंगी। मतलब कि जैसे एक रिंग लाइट अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं जो कि 2000-2500 का है तो वो यहाँ पर आपको सिर्फ 400-500 में मिल जाएगा। अगर आप और अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं तो वो आपको और काफ़ी सस्ते में भी मिल जाएगा। तो चलिए इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और जैसे जैसे मैं अगर किसी दुकान पर रुका तो वो चीज़ें आपको दिखाऊँगा। ये मार्केट सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है और दोपहर 1-1.5 बजे तक चालू रहता है और फिर थोड़ी देर के लंच ब्रेक के बाद लोग फिर से अपनी दुकानों पर वापस काम करना शुरू कर देते हैं और शाम के वक्त 5-6 बजे तक लोग सामान बेचते हैं। लेकिन अगर आपको चोर बाज़ार आना है तो आपको सुबह 4-5 बजे से ले कर 8 बजे तक ही चोर बाज़ार खुला मिलेगा। तो इस बीच आप चोर बाज़ार आकर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काफ़ी सस्ते में उठा कर ले जा सकते हैं। कूड़े के भाव में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपको मिलती हैं, लैपटॉप फ़ोन वगैरह आप काफ़ी सस्ता यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको इनके अलावा स्मार्ट वॉचेस हेडफोन्स ये सब चीज़ें चाहिए तो आप दिन में कभी भी आ सकते हैं, बस आपको फ़ोन लैपटॉप के लिए सुबह जल्दी यहाँ पर आना होगा क्योंकि 8 बजे के बाद ये अपना सामान लेकर चले जाते हैं। और अगर आप सुबह मतलब कि जब ये दुकान बंद करते हैं उस वक्त आएंगे तो ये चीज़ें आपको और काफ़ी सस्ती देंगे क्योंकि उस वक्त इनको दुकान उठाकर समेट कर निकलना होता है। तो आपको अगर घूमना है तो एक बार आप जामा मस्जिद मार्केट ज़रूर आइए। मैं आपको बता दूं कि मैं भी अब तक सुबह जल्दी इस मार्केट में नहीं आ पाया हूँ और ना ही कभी ज़रूरत लगी क्योंकि मैंने भी सुना ही है कि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार आकर ट्राई ज़रूर करें, अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर कभी मौका मिले तो मैं एक बार सुबह जल्दी आकर चोर बाज़ार को एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहूँगा और आपको सच्चाई बताना चाहूँगा कि यहाँ पर वाकई में चीज़ें कितनी सस्ती मिलती हैं और चीज़ों में अच्छा खासा दम होता है या ऐसी कुछ आपको चिपका देते हैं। रिंग लाइट भाई की आवाज़ सुना भाई, रिंग लाइट का बताना प्राइस। 500 रुपये कम नहीं होगा? कौन बड़ा वाला आवाज़ गाली की? हाँ ये बड़ा वाला। इसकी प्राइस बता रहा हूँ, इसकी 500। ये रिंग लाइट 500 का है। तो रिंग लाइट सुना आपने 500 का था जो कि ऐसे मार्केट में आपको 1000-2000 का मिलेगा। वो सामने रहा जामा मस्जिद जो अभी आपको दिख रहा होगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में अभी हम आगे बताएंगे आपको। और अभी मैं आपको ऊपर, शायद अगर गेट खुला हो तो मैं ऊपर जाकर आपको दिखाऊंगा और अगर गेट बंद हुआ तो मैं नीचे से ही वापस आ जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं आगे गेट खुला है या बंद है। Gracias.
मार रहा था। वीडियो बना कितने का भाई है? हाँ भाई बता दो कितने का। अरे भाई ये मार खा रहा था, ये मार क्यों रहा था, जरूरी क्या था, क्या प्रॉब्लम था, क्या परेशानी था, बता दो भाई रेट कितने का बता। वो सामने आपको दिख रहा होगा जामा मस्जिद। अगर हम इस मस्जिद के इतिहास के बारे में बात करें तो इस मस्जिद का निर्माण 1650 ईस्वी में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इस मस्जिद को बनने में 6 सालों का वक्त लगा था और उस वक्त इस मस्जिद को बनाने में तकरीबन 10 लाख रुपए लगे थे। ये मस्जिद बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। वैसे तो इसके 3 दरवाजे हैं, एक लाल किला की तरफ, दूसरा दरीबा कला की ओर और तीसरा बाजार मटिया महल की तरफ खुलता है। आपको इन 3 दरवाज़ों पर पहुंचने के लिए 32, 32 और 36 सीढ़ियों को चढ़ना होगा। अगर हम जामा मस्जिद की विशेषताओं पर नज़र डालें तो जामा मस्जिद 65 मीटर लंबी और 35 मीटर चौड़ी है। इसके आंगन में करीब 100 वर्ग मीटर का स्थान है। मस्जिद में विशालकाय 2 मीनारें हैं जिनकी ऊंचाई तकरीबन 40 मीटर बताई गई है। जामा मस्जिद में 4 छोटी मीनारें भी हैं। मस्जिद में नक्काशीदार 260 खंभे भी लगे हुए हैं। और ये व्यू जामा मस्जिद से वापस लौटते वक्त, मतलब कि ऊपर से नीचे मार्केट की तरफ का है, जो कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पर हर एक दुकान पर आपको ऊपर छाते, तिरपाल वगैरह टंगे हुए मिलेंगे देखने को, और पूरा का पूरा मार्केट बहुत ही भीड़ भाड़ वाला है। तो यहाँ पर आप जेब कतरों से, यानी कि अपना पर्स, फ़ोन सब संभाल कर रखें और उनसे काफ़ी सतर्क रहें, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त आपका फ़ोन पर्स चोरी हो सकता है। तो जब मैं इस मार्केट को घूम रहा था तो मेरा पूरा ध्यान अपने पर्स और फ़ोन पर ही था। वैसे तो फ़ोन मेरे हाथ में ही था, लेकिन जेब से कब आपका पर्स गायब हो जाएगा आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, और कौन लेके गया ये तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। तो इस मार्केट में बाएं की साइड और आगे आप गलियों में घूम सकते हैं, क्योंकि गली गली में यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं। तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा अंदर नहीं गया, क्योंकि अंदर जितना जाता टाइम उतना ज़्यादा लगता और मुझे कहीं और भी जाना था। तो फिलहाल मैं उस साइड से घूमकर और अभी बाहर की तरफ जा रहा हूँ। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी आपको नॉर्मल रेट से काफ़ी सस्ते देखने को मिलेंगे, जो कि आगे की साइड में है, मतलब कि जब आप बाहर की ओर साइड जाएंगे तो आपको बाएं तरफ मिलेगा। यहाँ पर आपको दिक्कत सिर्फ भीड़ से होगी, क्योंकि आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जहाँ पर लोगों के चलने की जगह नहीं, वहाँ पर आपको बाइक्स वगैरह काफ़ी देखने को मिलेंगी, जो कि ज़बरदस्ती भीड़ में घुसेर देते हैं, और पैदल चलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, और कभी कभी तो यहाँ पर आपको पैदल चलने में भी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जगह काफ़ी छोटी है और दोनों साइड दुकानें हैं, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर अभी आपको जहाँ मैं घूम रहा हूँ यहाँ पर कपड़े ही कपड़े मिलेंगे, क्योंकि हर एक सेक्शन बटा हुआ है अलग अलग। ये कपड़ों का सेक्शन है और यहाँ पर कपड़े ही, जैसे कि शर्ट, टी शर्ट आपको काफ़ी सस्ती मिलेगी, 200 में, 250 में, 300 में बहुत अच्छी अच्छी शर्ट्स मिल जाएंगी। हाँ, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं होती है, लेकिन जो आप दुकानों से ख़रीदते हैं कुछ वैसी क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट काफ़ी लो है। एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, कि इसी मार्केट में अगर आप ठंड के मौसम में आते हैं तो जो तिब्बत से रिफ्यूजी लोग हैं वो तिब्बत से अपना सामान लेकर, जैसे कि ठंड के कपड़े, स्वेटर, जैकेट और लेकर आते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सस्ती बेचते हैं। तो मैं इस मार्केट में पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ और मैंने उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करा है जो आपको ठंड में ही देखने को मिलेगी, जैसे कि स्वेटर, जैकेट, वुलन आइटम्स आपको काफ़ी अच्छी और सस्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि वो लोग तिब्बत से आते हैं, रिफ्यूजी होते हैं और अपना सामान बेचते हैं अपना पेट भरने के लिए बस, और जैसे तैसे उनका गुजारा हो पाता है। ये सामने आपको बैग्स दिख रही होंगी और बैग्स भी आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती है यहाँ पर। ये टी शर्ट मिकी माउस वाला दिख रहा है और ये लोग अपना सामान खरीद रहे हैं। तो देखते रहिए, जहाँ जहाँ मैं रुकूँगा मैं आपको दिखाता चलूँगा कि ये चीज़ें आपको काफ़ी सस्ती मिलती हैं और कितने में मिलती हैं। तो अगर आप
यहाँ पर आते हैं तो दिल्ली आते हैं तो इस मार्केट को एक बार ज़रूर घूमें और सुबह सुबह आएँ। कैमरा देख के लोग ये बोल रहे हैं दुकानदार की आके भाई मेरा दुकान दिखा दो ऐसा और चीज़ें बता दो, थोड़ा प्रमोट कर दो चीज़ें। दुकानदार कैमरा देख के बोल रहे हैं कि आके और मेरा दुकान दिखा दो, है ना। अब तक हमें कई लोगों ने बुलाया है और हम एक दो दुकान पर जा भी चुके हैं। ये देखो रास्ता सारे ठेले ही ठेले। आ जाओ भाई, ये भाई मैं बुला रहे हैं, बताइए भाई। और भाई कैसे हो सब लोग? भाई का चैनल को आगे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और हमें पहचानो, हमारे दुकान पे आओ। होलसेल रेट में जितने भी शर्ट चाहिए जी, आप अपना एड्रेस बता दो। हमारा एड्रेस है जामा मस्जिद मीना बाजार मेट्रो 2 नंबर गेट के सामने। मेरा नाम है एमडी जवाद खान। और चीजें दिखा दो, प्राइस बता दो, क्या कैसे है? आपके सामने सारा रखा हुआ है, इसमें एक ब्रांड का सिलाई का भी दाम नहीं है, 150 रुपए कपड़ा ही नाम है भाई। और सारा हुलुलुलु कंपनी जो कहते हैं ना, हुलुलुलु कंपनी, उसका भी बाप है ये। अच्छा, बहुत ही नंबर वन कपड़ा है, बहुत ही ब्रांड का है। और मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब, ये हैंगर भी साथ में देते हैं 150 के साथ। अच्छा भाई, हैंगर भी दे रहे हैं 150 में कपड़े के साथ, एकदम 150 में, सिलाई का दाम नहीं है। और मेरा भी चैनल है, मुझे भी सपोर्ट करो। जी जी भाई, चैनल का नाम बता दो एक बार। चैनल का नाम ब्रो स्केटिंग 123। अच्छा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये भाई बोल रहे हैं कि हमें भी ले लो। हेलो बोल दो भाई। हाय हाय, चलो ठीक है फिर भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी तो स्टार्ट ही किया है। अभी स्टार्ट ही किया, अभी धीरे धीरे, अभी हेजिटेशन हो रहा है थोड़ा सा कि जाके वीडियो बनाए। ठीक है ठीक है भाई। तो ये भाई थे, इन्होंने मैं बुलाया और अपना दुकान दिखाया और चीज़ें भी बताई। और ये ब्लॉग इसके साथ काफी दमदार हो चुका है ना दीपक, ब्लॉग में जान आ चुकी है। ये एक बार पियोगे, बार बार पियोगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा, वो भाई हमें बुला रहे थे और अपनी चीज़ें दिखा रहे थे और 150 में वो शर्ट बेच रहे थे, मात्र 150 में। जो कि अभी आप शर्ट सिलवाएंगे तो 150 से ज़्यादा ही आपको सिलाई का खर्चा लग जाएगा, और 150 में काफ़ी सस्ती चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। इतना सस्ता शर्ट कहीं आपको शायद ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि शुरू में ही कि इस मार्केट में चीज़ आपको काफ़ी सस्ती देखने को मिलेगी। फ़िलहाल मैं मार्केट से बाहर निकल आया हूं और आपको रोड सामने दिख रहा होगा। तो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग में आपने जामा मस्जिद मार्केट को एक्सप्लोर करा, जितना मेरे से हो सका मैंने आपको दिखाया। तो अभी हम यहां से निकलने वाले हैं सीधा कुतुब मीनार की ओर, और हम लाल किला नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लाल किला काफ़ी बार जा चुके हैं। कुतुब मीनार वाली वीडियो आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई अभी हमने आपको दिखाया जामा मस्जिद मार्केट, और अभी हम फ़िलहाल आ चुके हैं बाहर, और अभी हमने आपको मार्केट दिखाया। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। भाई